खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में हमेशा कंपटीशन रहता है, कौन किससे आगे है, कौन किससे पीछे चल रहा है, इन सब की जानकारी भाई फैंस हमेशा चाहते हैं। और जब से बोलबम के गाने आए हैं तब से तो लोग ये जानने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं कि कौन है नंबर वन, किसके गाने चल रहे हैं सबसे ज़्यादा। वैसे आपको पता है खेसारी ने अब तक 8 से 9 गाने रिलीज़ कर चुके हैं, यानी कि 15 दिन बीत चुके हैं और इन 15 दिनों में 8 से 9 गाने आ चुके हैं खेसारी लाल यादव के, तिजवा कमाई, देवघर जाई जैसे कई सुपरहिट गाने भी हैं। वैसे खेसारी लाल यादव इस बार विवादों में भी बहुत रहे, जब उन्होंने बाबा खेले पबजी लेकर आए तब लोगों ने अच्छा खासा खेसारी का विरोध किया कि इस तरह के गाने न लेकर आए। उसके बाद खेसारी ने जैसे ही देखा कि उनका विरोध हो रहा है तो भतीजवा की मौसी जिंदाबाद के तर्ज पर भतीजवा कमाई देवघर जाई लेकर आए और इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर कैलाश धुआं धुआं है जैसे कई बेहतरीन गाने आए और उनको लोगों ने पसंद भी किया। वहीं पवन सिंह के अब तक 4 सिर्फ गाने आए हैं और उन 4 गानों ने अपनी एक अलग जगह बनाई हो। महादेव का दीवाना ने तो सभी को पछाड़ा है। आप अगर देखने जाएंगे तो महादेव के दीवाने को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और लोग हर वर्ग के लोग पसंद कर रहे हैं। महादेव का दीवाना के बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, किसी गाने को और ज़्यादा पसंद किया पवन के, तो वो पवन संगे जलधारी करव को पसंद किया गया। और रानी के साथ भी उन्होंने एक बोलबम का गाना लेके आए, यानी वीडियो और ऑडियो मिलाकर देखा जाए तो पवन सिंह कहीं ना कहीं खेसारी पे इसलिए भारी पड़ते हैं क्योंकि खेसारी के जो गाने हैं वो काउंटिंग वाइज ज़्यादा हैं। मुस्कुराइए आप देवघर में है यूट्यूब के ट्रेंड में चला, 14वें पायदान से 21 पायदान तक अपनी ये जगह बराबर बनाता गया गाना। मुस्कुराइए आप देवघर में है इसके लिरिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। खेसारी का ये गाना लोगों को बहुत अच्छा लगा, चाहे वो खेसारी के फैन रहे हों चाहे नहीं रहे हों, सभी ने इसे पसंद किया। तो वहीं पवन के गानों को भी लोगों ने बहुत पसंद किया और अब देखा जा रहा है कि पवन के गानों को लोग ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, यानी कि थोड़ा ही सही लेकिन पवन कहीं ना कहीं खेसारी से 20 है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।